दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का ये नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। मृत्यु के आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग अवश्य ही करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है, आत्मा अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता। वो अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है, वो उसे कुछ ही समय के लिए ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है, जो एक न एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। किंतु फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई प्रकार की भौतिक वस्तुओं के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह छूट नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं के मोह का त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता है, तब तक वो अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी उन वस्तुओं के प्रति उसका मोह इतना अधिक होता है कि वो मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता रहता है। कई बार हम अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लगते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। मरने के बाद भी उस व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बना रहता है, जिस कारण से उसकी आत्मा उन वस्तुओं से जुड़ी हुई रहती है, और यदि कोई व्यक्ति उन वस्तुओं का उपयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो मृत आत्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति की ऐसी तीन चीजों के बारे में बताया गया है, जिनका भूल कर भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिस भी व्यक्ति की ये वस्तुएं होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती और वो पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज है मृत व्यक्ति के कपड़े। जी हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य को मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, उन्हें भूल कर भी अपने शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर उस मृत व्यक्ति की आत्मा उससे जुड़ जाती है और मृत व्यक्ति की यादें उसे सताने लगती है। जो भी मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग करता है उसे वो आत्मा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना डालती है। इन वस्तुओं का उनके मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। उस व्यक्ति को बार बार अपने उस मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास होने लगता है। वो मृत परिजन बार बार उसके सपने में आकर उसे दुख और यातनाएं देने लगता है। इसी कारण से गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। आप याद के तौर पर घर में संभाल कर रख सकते हैं, अथवा आप उनके वस्त्रों को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी मृत व्यक्ति के वस्त्रों को कभी पहनना नहीं चाहिए। दूसरी बात, मृत व्यक्ति के गहने। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी मनुष्य को अपने मृत परिजन अथवा किसी मृत स्त्री के गहनों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का उनके आभूषणों से और गहनों से सबसे अधिक लगाव होता है। मृत्यु के बाद भी उनका इन वस्तुओं के प्रति लगाव कम नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत आत्मा का आभूषणों के प्रति लगाव उनके वस्त्रों से कई गुना अधिक होता है, और जो भी व्यक्ति उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके गहनों को पहनता है अथवा उनके आभूषणों का उपयोग करता है, उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है और जिस कारण से उसे मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मृत व्यक्ति के गहनों को कभी पहनना नहीं चाहिए। आप इन गहनों को उनकी याद में अपने घर में संभाल कर रख सकते हैं, अथवा इन गहनों को गलाकर नए गहने बनाकर पहन सकते हैं, लेकिन भूल कर भी उन्हें उसी अवस्था में कभी पहनना नहीं चाहिए। यदि मृत व्यक्ति ने मृत्यु से पूर्व आपको ये गहने भेंट दिए हैं या ऐसी इच्छा जाहिर की थी कि आप कभी उनके गहने पहने, तो आप पहन सकते हैं। लेकिन यदि उस मृत व्यक्ति ने अपने इन गहनों को संभाल कर रखा हुआ था जिससे उनका सबसे अधिक लगाव था, तो ऐसे गहनों को कभी पहनना नहीं चाहिए। तीसरी चीज है मृत व्यक्ति की घड़ी। वस्त्रों और गहनों की तरह ही घड़ी भी मृत व्यक्ति की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होती है। गरुड़ पुराण में घड़ी के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मृत व्यक्ति की घड़ी भी उससे जुड़ाव का कार्य करती है, क्योंकि घड़ी उस व्यक्ति से जीवन भर जुड़ी रहती है
और उसके समय का निर्धारण करती है। उसके जीवन के अच्छे और बुरे समय का वो लेखा जोखा रखती है। इसीलिए उस व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसकी घड़ी में उसकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी हुई होती है। जो भी व्यक्ति मृत व्यक्ति की घड़ी को धारण करता है, उस पर इन ऊर्जाओं का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसे कष्ट भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन यदि मृत व्यक्ति ने मृत्यु से पूर्व ही आपको ये घड़ी भेंट में दी है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के इन तीन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से आए दिन घर में परेशानियां आती रहती है, तथा पति पत्नी में आए दिन झगड़े भी होते हैं और धन कमाने के बावजूद भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए घर में पांच बड़ी गलतियां कभी मत होने देना, जो कि बर्बादी का मुख्य कारण बताया गया है। तो आइए जानते हैं। नंबर एक, दरवाजे के सामने ना हो बिस्तर। जिस कमरे में आप सो रहे हैं, ठीक उसके सामने बिस्तर नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि दरवाजे के सामने पलंग लगा है तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो घर में आर्थिक समस्या, मानसिक तनाव और शरीर में रोग होने की आशंका बनी रहती है। वहीं दरवाजे की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। नंबर दो, शीशा ना रखें। वास्तु की मान्यता के अनुसार जहाँ पर आपका बिस्तर है, ठीक उसके सामने शीशा या ड्रेसिंग टेबल नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि सोते समय अपनी परछाई नहीं देखनी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्तों पर बुरा असर होता है, रोग होने की संभावना हो जाती है। अगर आपके कमरे में ऐसा कुछ है तो आप उस पर कपड़ा डाल दें। नंबर तीन, लकड़ी के पलंग का करें इस्तेमाल। अपने कमरे में लोहे का पलंग ना लगाएं। हमेशा लकड़ी के पलंग का इस्तेमाल करें। लकड़ी के फर्नीचर ही वास्तु में शुभ माने गए हैं। इसके साथ ही आपके पलंग की ऊंचाई ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम। वास्तु के अनुसार आपके पलंग का सरहाना और बिस्तर आरामदायक होना चाहिए। नंबर चार, साफ हो बिस्तर। जब भी आप सोने जाएं तो अपना बिस्तर अच्छे से साफ कर लें। साथ ही साथ तकिया, चादर सभी साफ होने चाहिए, क्योंकि ऐसा ना होने से बिस्तर वास्तु दोष को बढ़ाते हैं। अगर आपका पलंग बड़ा है यानी डबल है, तो उस पर एक ही गद्दा बनाएं, ना कि दो तरह के गद्दे बनाएं। दोस्तों, नंबर पाँच, वास्तु के अनुसार यदि आप और आपका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो उसे दूर करने के लिए अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में किसी पात्र में साबुत नमक भरकर रखना चाहिए। आर्थिक दिक्कत दूर करने का ये अत्यंत ही प्रभावी उपाय है और इसका असर बना रहे, इसके लिए आप साबुत नमक को समय समय पर अवश्य बदलते रहें। घर के मुख्य द्वार पर व उसके आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई होनी चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने में किसी प्रकार की रुकावट पैदा ना हो। दरवाजा खोलते या बंद करते समय आवाज करता हो तो कब्जों में तेल डाल देना चाहिए, नहीं तो परिवार के सदस्यों में खटपट बनी रहती है और घर में अकाल मृत्यु का भय भी बना रहता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।